इनका सवाल है, क्या वज़ू के बग़ैर अज़ान देना जायज़ नहीं? अगर जायज़ नहीं तो वज़ू के बग़ैर वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ कैसे? वज़ू के बग़ैर ज़िक्र अज़कार दरूद व सलाम पढ़ना जायज़ कैसे? देखिए, वज़ू नमाज के लिए शर्त है, अज़ान के लिए शर्त नहीं है। ऐसी कोई भी सरीह दलील मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि अज़ान बावज़ू इंसान ही दे सकता है। तो अज़ान देने के लिए वज़ू शर्त नहीं है, नमाज पढ़ने के लिए वज़ू शर्त। अज़ान के वक्त अगर इंसान बावज़ू है तो अज़ान क्योंकि इबादत है, लिहाजा बेहतर है कि उसमें वज़ू करके अज़ान दी जाए। कोई भी इबादत इंसान करे उसके लिए इस बात की फजीलत है, ज़्यादा बेहतर है कि वज़ू करके उस इबादत को अंजाम दे। लेकिन शर्त नहीं है उस इबादत के लिए कि वज़ू किया जाए। जैसे अज़ान है, अज़ान के लिए वज़ू शर्त नहीं है, लेकिन नमाज के लिए वज़ू शर्त है, क्योंकि नमाज के बारे में इस बात की सराहत मिलती है सही हदीस में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक तुम वज़ू ना कर लो। अब इनके जो भी सवालात हैं वो सवालात वज़ू के अज़ान के लिए वज़ू के शर्त होने पर मुनहसिर हैं। जब वज़ू के लिए अज़ान के लिए वज़ू शर्त ही नहीं है तो बकिया सवालात के जवाब आपको बज़ात ख़ुद मिल जाएंगे।